अस्सलाम हाँ वालेकुम सैयद भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वाले अस्सलाम जी सैयद भाई आपको क्या बोलना है भाई आ... एक, एक एक सवाल है भाई जी भाई। बहुत सारे हदीसा है उसमें ये बताया गया प्रॉफिट जो है सो मेडिसिन बनाते थे मेडिसिन बनाते, बनाते, बनाते थे मेडिसिन बनाते थे ऐसा कौन सा हदीस नंबर आपको प्रॉफिट के मेडिसिन आ है ना तो तिब्बे नबी तिब्बे नबी जो बुक है हाँ बहुत सारे मेडिसिन तो वो न मेडिसिन बताते थे जैसे कि कुरान में आए थे एक शहद के बारे में कि शहद में शिफा है लोगों के लिए शिफा ला की लोगों के लिए शिफा है तो अल्लाह ताला मेडिसिन बनाने रहे अल्लाह ताला बता रहे कि इसमें मेडिसिनल पावर है इसमें जो है शिफा है लोगों के लिए उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ चीज़ों के बारे में जैसे कि कलौनजी के बारे में हदीस है जैसे कि उसी तरीके से और भी चीज़ों के तिब नबी बुक है इबनलकैम अलजोजिया के उसमें डिटेल है बहुत सारे चीज़ों के बारे में जिसमें नबी सल्ला वसम ने मेडिसिनल जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो उनकी रवायत है या जो हदीस है उसको जमा किया है तो आप उसको पढ़िए इंशाल्लाह आपको बहुत सारे उस पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं नहीं मेरा मत, सवाल यह है कि प्रॉफिट जो रिसर्च करते थे मेडिसिन के ऊपर हाँ, तो आपका जो ये सवाल है कि प्रॉफिट रिसर्च करते थे तो ये सवाल मतलब कि सेम क्वेश्चन हम लोग कुरान पे भी कर सकते हैं कि क्या अल्लाह ताला रिसर्च करते हैं मेडिसिन के ऊपर में इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि वो जो अल्लाह ताला बता रहे हैं अपने इल के एतबार से बता रहे हैं अल्लाह आल गैब है और नबी सर जो बता रहे अल्लाह तला ने जो उनको इल्म दिया उसके एतबार से उसके मुताबिक वो हमको बता रहे हैं ठीक है सैयद भाई तो ये चीज़ हम लोग उसको तो अल्लाह प्रॉफिट को बताते थे मेडिसिन नाउ के बारे में हाँ अल्लाह ताला खुद कुरान में बताते हैं मेडिसिन के बारे में जो शहद वाली आयत है हां वो तो है वो शहद वाली आयत पढ़ी ना आपने तो शहद वाली जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं उसके बारे में ठीक है ना हां तो उसके लिए बत... अलग से हां

कलौजी है जो कलोंजी है उस उससे ये बोलते हैं कि हर मरस का बीमार का इलाज है उसमें हर बीमारी का इलाज है क्या वो कैंसर को भी ठीक कर सकती है देखिए हर मर्ज की बीमारी उसमें लिखा हुआ है तो उसका लेवल है कि क्या चीज कितना सॉल्व कर रहा है या कितना उससे ठीक हो रहा है जैसे कि शहद में भी अल्लाह ताला बोले शिफा है तो क्या मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या कैंसर सिर्फ शहद से ठीक हो जाएगा आपको कैंसर में आपको शहद खिलाऊं तो कैंसर ठीक हो जाएगा आपका नहीं ठीक होगा नहीं, ना वो क्योंकि तो वो एक अलग चीज है अल्लाह ताला जो बता रहे है उसी हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी के बारे में उसमें फायदा है हो सकता है कैंसर के पेशेंट्स में भी फायदा होता होगा उसके लिए रिसर्च मांगता कि किस तरीके से फायदा होता है लेकिन ये कह देना कि एक्यूरेट यही बीमार मतलब कि इसी से सब चीज फायदा हो जाएगा और फिर और दवाइयां नहीं खाना ये कहना सही नहीं होगा ठीक है ना तो जो जो क्वेश्चन जैसे कि हदीस पे रेज किया जाता है सेम सेम क्वेश्चन हम लोग कुरान पे रेज कर देते हैं ठीक है ना तो इसलिए हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन हदीस को पूछ करके हदीस का इनकार नहीं करते बल्कि जो चीज हमको नहीं समझ में आता उसको हम लोग समझते हैं और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा कोई हदीस तो उसकी है, मतलब कि जो है, जो उल्मा है उसके बारे में क्या बोला वो सब हम लोग स्टडी करते ना कि आप राइट उसको रिजेक्ट कर देते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये हदीस सही ऐसा नहीं करते ठीक है भाई? अच्छा तो ये, ये चीज आप ध्यान पे रखिये अल्लाह ने बताया है कि कल में हर चीज का इलाज है सिर्फ ये, ये, तो ये अपने आप से कुछ नहीं कहते नबी जो भी कहते हैं ये वही होती है अल्लाह ताला की तरफ से ठीक है ना सूर्य नजम के आए थे आयत नंबर तीन और पांच चार पांच अगर, ठीक है अगर इस, इस्लाम को गलत प्रूफ कर सकते हदीस के ऊपर कि अगर वो कैंसर को कलौन जो है सो वहाँ कैंसर दो लिखा हुआ वो आदिश में कि कैंसर को ठीक कर देता कलौन ऐसा लिखा हुआ है। हर ये लिखा, लिखा हुआ कि उसके हर बीमारी के लिए शिफा है ठीक है ना हर बीमारी के लिए शिफा हो सकता है कैंसर में भी कुछ शिफा मिलता होगा उससे कुछ फायदा मिलता होगा लेकिन एकदम क्योर कर देगा एकदम हंड्रेड हर बीमारी के लिए अगर आप देखिएगा क्योंकि और भी अधिसे है अब पेट किसी का खराब था वसल्लम के टाइम में तो उन्होंने शहद खिलवाया था वहां पर तो कलौंजी फिर आपने बोला कि कलौंजी क्यों नहीं खिलाया वहां पर कलौंजी खिला देना चाहिए तो उससे ठीक हो जाता तो इसका मतलब कि उस हदीस को जिस हिसाब से आप समझ रहे वो समझना आपका सही नहीं है समझ रहे वो हदीस को लेकर के आप जो समझ आप अपना यूज कर रहे हैं और जिस हिसाब से उसको फिट कर रहे हैं कि कलौनजी में हर बीमारी के लिए शिफा है मतलब कि फायदा है शिफा है मतलब कि अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो ठीक है इन शिफा मिल सकती है उसी तरीके से शहद में भी शिफा है सेम शिफा कुरान में अल्लाह शहद के बारे में बोल रहे तो क्या सेम क्वेश्चन हम लोग कुरान को रिजेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से बोल करके कि कुरान में लिखा हुआ है शहद शिफा और कैंसर तो ठीक नहीं कर रहा शहद वाला तो क्या हम लोग कुरान को इनकार कर देंगे इस तरीके से सैयद भाई नहीं 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 कर सकते ना तो हाँ, उसी तरीके से हदीस को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते तो, तो जैसे की आपका बात से लग रहा है सैयद भाई आप मुसलमान है ना हाँ हाँ साहब आप मुसलमान आप मतलब इंडिया से या कहीं और से मतलब कि इंडिया मैं, मैं हैदराबाद का हूँ हैदराबाद का हैदराबाद के तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है जैसे कि आपको हदीस मतलब मतलब के सही मतलब समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप उसको रिजेक्ट करते जाते हाँ। तो हदीस उस तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा अगर हम करने लगेंगे ना सैयद भाई तो हम लोगों को धीरे धीरे कुरान को भी सच वाला जो झूठ वाला बैठा हुआ है उसका आप स्टोरी पढ़िएगा वो पहले बोलता की मैंने धीरे धीरे हदीस का रिजेक्ट किया, किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुरान को भी रिजेक्ट कर दिया एक टाइम यह आया कि मैंने हदीस के जखीरे को मानने से इनकार कर दिया मैंने ये कहा कि या मेरा यह समझना था कि हदीस तो इंसानी कलाम है मैं अल्लाह का जो कलाम है सिर्फ उस पर बिलीव करूंगा मैं जो है हदीस पर क्यों क्योंकि उसका आदत बन गया था कि सब चीज को रिजेक्ट करना सब चीज को अपने दिमाग से तोलना अब जैसे कि सैयद भाई आप बोल रहे कि हदीस को रिजेक्ट करना अब जैसे नमाज लिखा हुआ कुरान में आकी मिसला नमाज कायम करो तो आप नमाज कैसे पढ़िएगा मैं, मैं हदीसों का रिजेक्टर नहीं हूँ मैं सिर्फ हाँ जो जो आ, अच्छी हदीस नहीं है जो कॉमन सेंस नहीं है उसको रिजेक्ट करता हूँ तो तो जैसे कि आप बोल रहे कि जैसे कि जो कुरान की आयत हमको अच्छा लग रहा हम उसको लेंगे जो नहीं समझ में आ रहा हम नहीं, उसको रिजेक्ट कर हैं। तो नहीं, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग सैयद भाई नहीं नहीं, 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 नहीं तो तो किताब कि क्या तुम थोड़ी पे ईमान लाते हो और थोड़ी पे नहीं लाते हो तो ऐसे करने वालों के लिए क्या जजा होगा इल्ला फिल फिलहत दुनिया की इस दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी फिर उसके लिए रसवाई है तो हम लोगों को क्या है ना कि जब अल्लाह तला बोल रहे आति व आती रसूल इसका मतलब क्या है अब समझते हैं

जी अब आपका क्वेश्चन एक अलग है हदीस के प्रिजर्वेशन के ऊपर में कि क्या गारंटी है कि नबी साम ने ऐसा बोला होगा तो क्योंकि चेन ऑफ नरेटर्स होते हैं अगर आप देखिएगा हदीस में एक चेन ऑफ नरेशन होता है जो कि प्रॉफिट को जो नरेटर है वहां तक कनेक्ट करता है नरेटर मतलब जैसे इमाम बुखारी जो है अगर वो नरेट कर रहे है तो वो बोलेंगे कि मैंने उनसे सुना और वो बोलेंगे मैंने उनसे सुना और वो बोलेंगे कि मैंने अब्दुल्ला से सुना और ये इस तरीके से जैसे की एक फेमस हदीस है गोल्डन चेन की रवायत गोल्डन चेन उसको बोला जाता है रवायत कि इमाम बुखारी बोलते हैं कि मैंने उनसे सुना और दो तीन का सिर्फ चेन है वहां पर दो तीन मतलब नबी से इमाम बुखारी तक सिर्फ कुछ ही चेन है मतलब उसको गोल्डन चेन ऑफ नरेशन बोला जाता है तो इसलिए जो ये चेन ऑफ नरेशन बन रहा है इससे हम लोग हदीस को प्रिजर्व मानते हैं और इस पे पूरा एक उसूल है उसूल अल हदीस बोला जाता है इस इसपे पूरा साइंसिस ऑफ हदीस है इस पर मुहदसिन रिसर्च करते हैं इलम रिजाल की बुक्स है एक एक मतलब के राइटर लिखते हैं कि इस्लाम एक अजीब मतलब के रिलीजन है कि उसने सिर्फ लाखों लोगों की बायोग्राफीज लिख दिया है इस्लाम ने लाखों लोगों की बायोग्राफीज सिर्फ इस वजह से कि उसकी हदीस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा उसमें से एक बुक एक बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ही मेरे पीछे है ये बुक है सैयद भाई इसका नाम है तकरीब तहजीब ये इमाम इबन हजर असकलानी की बुक है इमाम इबन हजर असकलानी की ये बुक है इसमें अगर आप खोलिएगा अगर आपको अरबिक आता है सैयद भाई तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक एक नरेटर के बारे में आ, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसा था हर हा हा से जिसका इसका नाम है उसके बारे में हाबिस बिन साद अत्ताई वकाल हुआ हाबिस बिन और इसका नाम ये था और ये सही था या ये नहीं था या ये यह था ये कैसा था ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ एक शॉर्ट बुक है मेरे पास इमाम हजर इस तरीके की कई बुक्स है जिसको बोला जाता है, है? इल्म और रिजाल रिजाल की बुक जिसमें बुक्स है जो कि बोलते हैं मेन को लोगों को बोला जाता है तो ये सब आप जब जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि हदीस प्रिजर्व है इसी तरीके से कोई भी नहीं बोल सकता कि ये हदीस ऐसा लिखा हो या ये जो चीज लिखा हमारे चैनल आई आर पी सी इंडिया को सब्सक्राइब करे और बेल बटन पे क्लिक करे ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे